अपनी मर्जी का जीवन साथी चुनना व्यक्ति का मौलिक अधिकार। शादी है तो धर्म परिवर्तन के फैसलों को गलत बताना कानूनी रूप से ठीक नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज, मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। यूपी सरकार समेत कई राज्य जहां लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात हो रही है, इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने ताजा फैसले में कहा कि देश के नागरिकों को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का संवैधानिक अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या फिर पंथ से हो या समान लिंग के ही क्यों ना हो। कोर्ट ने साफ कहा है कि कानून दो बालिग लोगों को साथ रहने की इजाजत देता है, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन पर आपत्ति जताने वाले पिछले दो फैसले कानून की नजर में ठीक नहीं थे, यानी कोर्ट ने अपने ही फैसलों को गलत बता दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना वैध नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस पंकज नकवी और विवेक अग्रवाल की दो जजों की खंडपीठ ने यह फैसला दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार यह फैसला अदालत ने 11 नवंबर को ही दे दिया था, लेकिन इसे सार्वजनिक सोमवार 23 नवंबर को किया गया। किस मामले पर यह फैसला आया? कोर्ट ने यह फैसला कुशीनगर के सलामत अंसारी और तीन अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुनाया। याचिका में आरोप है कि सलामत और प्रियंका ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। दोनों ने मुस्लिम रीति रिवाज के साथ शादी की। शादी के बाद प्रियंका खरवार ने अपना नाम बदलकर अब आलिया रख लिया है। प्रियंका के पिता ने मामले में एफआईआर दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने बेटी के अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया था। पुलिस की कार्रवाई को निरस्त करने के लिए पति पत्नी दोनों ने अदालत की शरण ली। कोर्ट ने प्रियंका खरवार उर्फ आलिया को अपने पति के साथ रहने की छूट दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पॉक्सो एक्ट लागू नहीं होता है, क्योंकि प्रियंका खरवार उर्फ आलिया की उम्र 21 साल है, इसलिए उसे कानून अपना जीवन साथी चुनने का पूरा हक देता है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कानून दो व्यक्तियों को एक साथ रहने की अनुमति देता है तो किसी और को उनके संबंधों पर आपत्ति क्यों। राज्य सरकारें भी इसमें दखल नहीं दे सकती। कोर्ट का कहना है कि हम इनको हिंदू मुस्लिम की नजर से नहीं देखते, यह दो बालिग लोग हैं जो अपनी मर्जी और पसंद से पिछले एक वर्ष से साथ रह रहे हैं, और व्यक्तिगत रिश्तों में हस्तक्षेप करना व्यक्ति की निजता का हनन है, जिसका कि उसे संविधान के अनुच्छेद 21 में हक दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब कई राज्य सरकारें धर्म परिवर्तन शादी के विरुद्ध कानून बनाने की बात कर रहे हैं, जिसको कि लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है। ऐसे में यह फैसला सरकारों के सामने एक चुनौती पेश करेगा। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज और बेल आइकन टैप करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा फेसबुक पेज कबीर न्यूज।